हाय, आज मैं एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, बिल्कुल आसान। अगर आपने नहीं बनाया होगा अभी तक तो फटाफट बना लीजिए। ये जो है पके केले की गुड़। हम अक्सर ज़्यादा पक जाने से केले बच्चे पसंद नहीं करते खाने के लिए, हम बड़े भी खाने के लिए पसंद नहीं करते ज़्यादा पक जाने से। तो मेरे घर के ही केले थे तो ज़्यादा पक गया था, खाने वाला कोई नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको गुड़ बना लिया जाए। और इसीलिए मैंने पके केले की गुड़ बना ली हूँ। और इस गुड़ से आप लड्डू, मिठाई, पियरे कुछ भी बना सकते हैं। तो मैंने ये गुड़ बना लिया पका हुआ केले की, और इसी गुड़ से मैं नारियल के लड्डू या बर्फी बनाऊंगी। तो मैंने सोचा चलिए आपको भी शेयर कर देती हूँ, आप भी ऐसे बनाइएगा पके केले की गुड़। आइए अब हम बनाने के लिए शुरू करते हैं। ये हमने पका केला ले लिया है जो घर में ज़्यादा पक जाते हैं, तो ख़राब नहीं है, ये ज़्यादा पक गया है तो बच्चे नहीं खाते, बड़े भी खाने के लिए पसंद नहीं करते। तो मैंने क्या किया, इस केले को छिलके उतार रही हूँ एक बर्तन में। अब इसको हम करेंगे क्या, इसको अच्छे तरह से हम हाथों से मल लेंगे। देखिए ऐसे हम अच्छे से सारा केले जो है इसको हम अच्छे से मल लेंगे। ये हमने केले जो थे इसको पूरा हाथ से मसल लिया हमने, ज़्यादा पक गए थे। अब इसमें हम डालेंगे चूनी, इसमें हम चूना डाल देंगे। एक चम्मच भर के हम चूना डालेंगे। जो घर में ज़्यादा पक जाते तो बच्चे पसंद नहीं करते खाने के लिए, बच्चे क्या हम बड़े भी पसंद नहीं करते। तो इसीलिए मैंने सोचा इतना सारा केला है जो ज़्यादा पक गए बच्चे भी नहीं खाते, तो हम क्या करेंगे इसको गुड़ बनाएंगे। पक्के केले से आपने अगर गुड़ नहीं बनाया अब तक तो आप ज़रूर बना के देखिए, इसके गुड़ बड़ा अच्छे बनते हैं और स्वादिष्ट भी बनते हैं, खुशबू अच्छी आती है केले की गुड़ की। अब हमने इसको अच्छे तरह से मिला लिया, ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गए हमारे। अब इसको हम क्या करेंगे, एक घंटे के लिए इसको ढक्कन लगा के रख देंगे रेस्ट के लिए। अब इसको एक घंटे के लिए हम ढक्कन लगा के रेस्ट के लिए रख देंगे, एक घंटा बाद फिर आपसे मिलते हैं। ये हमारे एक घंटा हो गए, हम अभी ढक्कन हटा देंगे। ये देखिए कितना इसका रस निकाला है, देखिए आप ये जो केले के रस है ये निकाल गया। अब हम इसको एक कपड़े से छान लेंगे। एक कॉटन कपड़ा ले लिया है और इसको हम एक कॉटन कपड़े के ऊपर जो है ये केले को हम डाल देंगे। इसको अब हम ऐसे कपड़े में लपेट लेंगे और यूं ही दबा देंगे और ऐसे रस, इसके जो केले के रस है ये निकाल रहा है। ये देखिए ये कपड़े को हम ऐसे रखें तो ये निकाल रहा है, अगर हम हाथों से दबा के निचोड़ देंगे तो और जल्दी ये निकाल आएगा। तो इसी तरह से हम सारा जो रस है केले के निकाल लेंगे। ये जो है हमने पोटली बना लिया और इस तरह से दबा रहे हैं और ऐसे दबाते दबाने से ये देखिए जो केले के रस है सब निकल गए। इसी तरह से हमने जितने भी केले हैं सभी के रस निकाल लेंगे पोटली बना के। हमने केले के जो रस था सब रस हमने कपड़े से छान के अच्छे से निकाल लिया। केले जो हमने छान लिए थे उसके ऊपर का हिस्सा ये हमें नहीं चाहिए, इसको हम फेंक देंगे। अब हमने केले के रस जो निकाल लिए थे इसको एक कढ़ाई में डाल दिए और हमने गैस चला दिया और इसको हम हिलाते जाएंगे। इसको लगातार हम हिलाते जाएंगे और जो ऊपर ये सफ़ेद सफ़ेद फेन जैसे आ रहे हैं ये फेने को हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। ये देखिए हम हिलाते जा रहे हैं और ये जो ऊपर आ रहा है ये फेना ये हमें नहीं चाहिए, इसको हम फेंक देंगे एक बर्तन में, इसको हम फेंक देंगे। ये जितने भी ऊपर आ गए इसको हम फेंकेंगे। ये जो हमने चूना डाले थे केले में यही चूना जो है ऊपर आ रहा है,
इसको हम ऐसे फेंक देंगे। आप सोचे होंगे कि चूना दे दिया हमने तो ये ख़राब करेंगे पेट के लिए, पर ऐसा बात नहीं है। जो चूना हमने डाला था ये सारे चूने ऊपर आ जाएंगे। ये देखिए ये पूरा ऊपर आ गया, और इसको हम जितने भी ऊपर आते हैं इसको हम निकालते जाएंगे। इसी तरह से हम जितने भी फेने आए ऊपर सब कुछ निकाल देंगे। ये देखिए हमने कितने सारा फेना निकाल दिया, जो भी ऊपर फेना आए सब हम निकाल के रख दिए, और इसको हम हिलाते जा रहे हैं। हिलाते हिलाते देखिए इसके कलर कैसे चेंज हो रहा है। ये देखा आपने, इससे कलर चेंज हो रहा है। अब इसको हम हिलाते जाएंगे और 10 मिनट तक इसको पका लेंगे हिलाते हिलाते। ये देखिए हमारे गुड़ बनना शुरू हो गया। ये देखा आपने कितने अच्छे से कलर आ गए इसकी और उबल रहे हैं। इसको हम हिलाते जाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे गुड़ के कलर हो गए, ये हमारे गुड़ बन रहे हैं। और 5 मिनट हम पकाएंगे इस तरह से, उसके बाद हम आपको फिर से दिखा देंगे। ये देखिए हमारे गुड़ रेडी हो चुका, इतने अच्छे कलर आ गए हैं, और ये पकाते पकाते हमारे गुड़ रेडी हो गए। देखिए अब हमने बना लिया केले से गुड़, आपके साथ भी शेयर कर दिए। आप भी इससे केले की गुड़ बना के एक बार खाइएगा, अच्छे लगते हैं केले के गुड़। ये देखिए हमारे गुड़ बन गए। और मेरे जो वीडियो है आप पूरे देखिए, देखिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने मत भूलिए, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। और मेरे सामने जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए मेरे आगे का वीडियो। ये हमारे केले के गुड़ रेडी हो गए, देखिए कितने अच्छे कलर आए, इसकी खुशबू भी अच्छे आ रहे हैं। मैंने बना लिया केले के गुड़, और इससे हम कुछ मिठाई बनाएंगे तो ये गुड़ हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। मैंने गैस को ऑफ कर दिया और एक बर्तन में निकालेंगे। ये हमारे गुड़ रेडी हो गए। आप भी ऐसे बनाइएगा, और मेरे वीडियो जो है पूरे देखिए, देख के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं जो दी हूँ वो आगे का वीडियो आपको मिल सके।